डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड में। स्टार्ट। समाचारों में इसे महज हादसा ही बताया जा रहा है, लेकिन गुरदासपुर के बटाला कस्बे की गैरकानूनी पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट और आगजनी को हादसा बताना इसके पीछे की गलतियों और लापरवाहियों को बहुत कम करके देखना होगा। जिस एक घटना में 23 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए, वह हादसा नहीं एक बहुत बड़ा अपराध है। यह अपराध तभी शुरू हो जाता है जब हम कहते हैं गैरकानूनी पटाखा फैक्ट्री। खबरों में बताया गया है कि इस पटाखा फैक्ट्री का लाइसेंस 2013 में ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद भी अगर यह धड़ल्ले से चल रही थी तो इसका सीधा अर्थ है कि प्रशासन को इस मामले में दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसी जगह इसी फैक्ट्री में 2017 में भी विस्फोट हुआ था और उसमें 2 लोगों की जान गई थी। तब भी यह गैर कानूनी फैक्ट्री ही थी। जाहिर है 2013 में लाइसेंस ख़त्म होने के बाद काम न तब रुका था और न अब रुका, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब 2 लोगों की जान चली गई। यह बताता है कि स्थानीय प्रशासन को इस मामले में किसी भी तरह से बरी नहीं किया जा सकता। बेशक एक बड़ा दोष फैक्ट्री मालिक का है, लेकिन अब इसे कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं है कि एक बच्ची के अलावा उसका पूरा परिवार इस हादसे में मारा गया है। यह मौका अब उन्हें कटघरे में खड़ा करने का है, जिनकी वजह से रिहायशी इलाके में इतना खतरनाक काम हो रहा था। दीपावली अब दूर नहीं है और इन दिनों देश भर में पटाखे बनाने का काम जोरों पर शुरू हो जाता है। लाइसेंस वाली फैक्ट्रियों के अलावा बिना लाइसेंस वाली फैक्ट्रियां भी अवैध रूप से यह काम शुरू कर देती है। पंजाब में इस बार दीपावली के अलावा भी एक खास अवसर है। इस साल गुरु नानक देव का 550वां जयंती समारोह सब जगह मनाया जा रहा है। ऐसे मौक़ों पर जश्न मनाने का एक तरीका होता है आतिशबाजी करना। कुछ खबरों में बताया गया है कि इन्हीं समारोहों के लिए इस गैरकानूनी पटाखा फैक्ट्री को भारी मात्रा में ऑर्डर मिले थे। शायद इसलिए वहां भारी मात्रा में पटाखे बनाने की खतरनाक सामग्री भी जमा की गई होगी, जो इस भयावह कांड का कारण बनी है। जाहिर है यह कोई चुपचाप होने वाला काम नहीं था। साथ ही यह ऐसा समय भी था जब संबंधित विभाग से अपनी सालाना सक्रियता दिखाने की उम्मीद की जाती है। कम से कम ऐसी जगहों की जांच तो होनी ही चाहिए थी जहां पहले हादसे हो चुके हैं। इसलिए 2 ही बातें हो सकती है, या तो संबंधित विभाग ने लापरवाही बरती या वह काम मिलीभगत से चल रहा था। ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर उन लोगों को बख्श दिया जाता है जिन पर उन्हें रोकने की जिम्मेदारी होती है। इसके बाद जो भी जांच और कागजी व अदालती कार्रवाई होती है वह निरर्थक भले ही न होती हो, लेकिन उसका कोई बड़ा या दीर्घकालिक प्रभाव देखने में नहीं आता है। न ऐसी घटनाओं में
से कोई सबक सीखने की ही कोई परंपरा है और न ही उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए कहीं कुछ ठोस होता है। आमतौर पर ऐसी किसी भी भयावह घटना के बाद हम अगली भयावह घटना का इंतजार करने के लिए अभिशप्त होते हैं। क्या बटाला की इस घटना के बाद यह सिलसिला अब खत्म होगा?